स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के विनर बन गए थे। इन दिनों वो सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। बिग बॉस से बाहर आने के बाद वो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। उन्होंने फैंस के बीच जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। इसके अलावा मुनव्वर लगातार पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुनव्वर को अभिषेक कुमार की पार्टी में देखा गया था। इस पार्टी में बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट नजर आए। मन्नारा चोपड़ा से लेकर आयशा खान तक इस पार्टी का हिस्सा बनी थी। सोशल मीडिया पर पार्टी की फोटोज खूब वायरल हुई थी। नीलवर, जिग्ना वोरा, रिंकू धवन और भी इस पार्टी में पहुंचे थे। अब पार्टी की कुछ नई फोटोज सामने आई है। इन फोटोज में मुनव्वर एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद से ही ये चर्चा है कि आखिर वो लड़की है कौन। बता दें कि इस मिस्ट्री गर्ल का नाम तशीम रहीम तुला है। तशीम कॉलिनरी वर्ल्ड से है। वो एक बिजनेस वुमन भी है। वो फोर्ब्स इंडिया में 30 अंडर 30 2022 की लिस्ट में विनर थी। तशीम थीम बेस्ट सेलिब्रेशन के लिए भी जानी जाती है। शुरुआती दौर में वो फाइनेंस सेक्टर में थी। तशीम सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तशीम की इंस्टाग्राम में 67,000 फॉलोअर्स भी है। मुनव्वर की बात करें तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। बिग बॉस के घर में जब मुनव्वर गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो नजीला सितासी संग रिलेशनशिप में है। हालांकि फिर आयशा खान ने शो में एंट्री ली और कहानी पूरी तरह बदल गई। आयशा ने दावा किया था कि मुनव्वर ने उन्हें धोखा दिया है और वो टू टाइमिंग कर रहे थे। आयशा के आरोपों के बाद मुनव्वर ने अपनी गलती मानी थी और ये भी कहा था कि उनका नजीला संग ब्रेकअप हो गया है। इन सब में आपकी क्या राय है कमेंट करें और जरूर बताएं। इसी तरह के न्यूज अपडेटेड रहने के लिए स्टार न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।